तो वेज पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे चावल लिए है बासमती, और बारीक कटे हुए गाजर लिए है। हमने इस तरह से गाजर को काट के लिया है, और हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है, और हरे मटर लिए है हमने यहाँ पे छील के, और हमने यहाँ पे गोभी ली है इस तरह से काट के, जिस तरह से हम सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह से काटना है। और यहाँ पे हमने नमक लिया है और जीरा लिया है हमने यहाँ पे, और ऑयल लिया है हमने रिफाइंड, और खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे तेज पत्ते लिए, सूखी लाल मिर्च, और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और तीन चार लौंग लिए हैं, और काली मिर्च। तो इतने हमें खड़े मसाले लेने हैं, या आप अपनी पसंद के कोई भी खड़े मसाले ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चावल को धोना है साफ़ पानी में, तीन चार बार हमें चावल को धो लेना है, और इसे हमें भिगो के नहीं रखना है, तो जब हम बनाने बैठे तब ही धोना है हमें। तो देखिए इस तरह से तीन चार बार हमें धो लेना है साफ़ पानी में। तो यहाँ पे मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अभी हम उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, घी डालने से टेस्ट बढ़िया आता है। तो और हम इसमें, हमारा तेल जब गर्म हो चुका है अभी, तो हम इसमें सबसे पहले लौंग डालेंगे, और फिर दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, और काली मिर्च डाल देंगे, तेज पत्ते डाल देंगे, और लाल मिर्च भी डाल देंगे, और इसे थोड़े से हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे अच्छे से। अगर ये फ्राई होने के बाद आपको पसंद है तो आप रख सकते हो, नहीं तो इसको निकाल भी सकते हो। तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है। अभी हम इसमें जीरा डाल देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे जीरा को, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल ही फ्राई हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम कम करके इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, और गोभी डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, मटर डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी इसमें वेजिटेबल डाल सकते हो। तो अभी हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और फिर बाद में हम घुमाएंगे ढक्कन उठा के। तो देखिए इस तरह से हमें इसको पका लेना है हल्का सा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल रंग के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। तो हम इसमें इस तरह से चावल जो है वो सारे डाल देंगे, और इसको अच्छे से घुमा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम घुमा लेंगे, और गैस की फ्लेम हम ज़्यादा कर देंगे, मतलब हाई कर देंगे, और अभी हम इसको ढक के रख देंगे 2-4 सेकंड के लिए। तो देखिए इस तरह से, तो अभी हम इसको वापस घुमाएंगे। तो देखिए इस तरह से, तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे उसी गिलास से मैं पानी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास डाल दी है, और दूसरी आधे गिलास डालूंगी। तो यानी कि मैंने यहाँ इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। तो 1.5 गिलास पानी डालना है, 1 गिलास हमें चावल लेने हैं, और 1.5 गिलास पानी डालना है, वही गिलास से हमें नाप के डालना है। तो देखिए इस तरह से हम घुमा लेंगे इसको, और इसको हम ढक के रख देंगे। हमें इसमें 3 सीटी होने तक पकने देना है। तो हमें यहाँ पे 3 सीटी ही होने देना है।
तो यहाँ पे हमारी 3 सीटी जो है वो पूरी हो चुकी है। अभी हम इसको, अभी हमें तब तक नहीं खोलना है जब तक इसमें जो बाफ रहती है तब तक हमें इसको खोलना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। तो देखिए अभी हमने इसको, ये हमारे पुलाव जो है वो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। हमने यहाँ पे ज़्यादा सीटी नहीं लगाई है, सिर्फ 3 सीटी ही लगाई है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे पुलाव जो है वो बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारे जो वेज पुलाव है वो कितने अच्छे और कलरफुल बन के तैयार हुए हैं। आप इसे अपने मनपसंद कोई भी करी के साथ खा सकते हो या फिर ऐसे भी आप खा सकते हो, बिल्कुल ही बढ़िया लगता है खाने में और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो देखिए हमारा वेज पुलाव बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें इसको बनाना है। ये कितना कलरफुल लग रहा है देखिए। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी करी के साथ इसे खा सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।